कामगार भाइयों, राम राम, नमस्कार। उत्तर प्रदेश के NCR के गाजियाबाद शहर में हूँ और दोस्तों ये स्पेलर के कारखाने में हूँ और सरस्वती स्पेलर जो ब्रांड है पूरे देश में उस कारखाने में हूँ। कारखाने के मालिक मेरे साथ मौजूद हैं। किस तरह से आप स्पेलर खरीद सकते हैं, स्पेलर की बारीकी बातें कौन सी होती हैं, क्यों खरीदें आप सरस्वती का स्पेलर, कंपनी के प्रतिनिधि से बात करेंगे। दोस्तों पहली बार यदि चैनल को देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं और दोस्तों इस वीडियो का लिंक भी अपने साथियों में जरूर शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों को बहुत पुरानी और मार्का जिसका विश्वास है, देश में नाम है, ऐसे तेल निकालने वाले स्पेलर की कंपनी की जानकारी हो सके। हमारा 1977 से ये बिजनेस चल रहा है एक्सपेलर का। मेरे फादर और मेरे दादाजी ने और उनके भाइयों ने ये कंपनी लगाई थी और गाज़ियाबाद में हम लोग पिछले मोर देन 40 साल से ज़्यादा हम लोग ये एक्सपेलर बना रहे हैं। ख़ास बात ये है कि हम लोग अपना ही सारा इन हाउस है हमारा, कास्टिंग से लेकर मैन्युफैक्चरिंग टोटल। हम कोई माल बाहर से नहीं लेते आगरा वगैरह से, हमारा कास्टिंग यूनिट है पूरा, वहाँ पे ढलाई होती है। ये सारा माल जितने भी ये पार्ट्स हैं सब अपने आप ही बनते हैं और काफ़ी हैवी मॉडल बनता है ये। अच्छा सर, ये बताइए पहले तो अपना ये पता बता दीजिए अपनी। मेरा नाम ब्रजेश रहेजा है और ये कंपनी गाज़ियाबाद में दिल्ली गेट के पास GT रोड पे है। अच्छा ब्रजेश जी, ये जो स्पेलर हम देख रहे हैं आपका सरस्वती ब्रांड है, जाना माना ना ब्रांड है, देश भर के कोने कोने में सरस्वती ब्रांड के स्पेलर चल रहे हैं किसान कामगार भाइयों, तो ये आप कितने बोल्ट से कितने बोल्ट तक का बनाते हैं सर? ये 4 बोल्ट से लेकर 9 बोल्ट तक में बनता है और जी हर एक साइज में अलग अलग चैम्बर के साइज होते हैं। अच्छा अच्छा, बड़ा छोटा वो उनकी प्रोडक्शन के हिसाब से होता है। अच्छा, ये जो हम देख रहे हैं सर आपका, हाँ ये 6 बोल्ट वाला है। ये 6 बोल्ट वाला है जो सबसे ज्यादा बिकता है, मीडियम क्वालिटी में आता है। जी इससे आप अपनी खुद का माल भी निकाल सकते हैं और कमर्शियल यूज़ के लिए प्रोडक्शन भी कर सकते हैं। अच्छा ब्रजेश जी, बहुत सारे लोग स्पेलर बना रहे हैं, आपकी तो पुरानी फर्म है गाजियाबाद में, लेकिन आजकल गली मोहल्ले में जगह जगह लोग स्पेलर बना रहे हैं, तो ये आप बताएंगे कि स्पेलर के पार्ट्स आपके पास उपलब्ध हो जाते हैं? कुछ लोग स्पेलर बना करके असेंबल करके बेच रहे हैं, लेकिन आपके तो यहाँ फैक्ट्री में हम देख रहे हैं बहुत सारे कारीगर काम कर रहे हैं और पूरा सामान यहीं बन रहा है, हर पार्ट्स मौजूद है आपकी कंपनी में और ये बहुत सारे स्पेलर तैयार कर रहे हैं ये मैकेनिक्स, तो आपके यहाँ सर पूरे पार्ट्स उपलब्ध रहते हैं? कोई दिक्कत कभी आती है किसान कामगार भाइयों को तो ये बताएंगे? हाँ, पार्ट्स सब जगह अवेलेबल हैं, ये सारे स्टॉक में पार्ट्स ही पड़े हुए हैं वरम पत्ती, और ये हम लोग मेन क्या करते हैं, हमारे यूनिवर्सल रहता है, कोई भी पार्ट किसान कहीं से भी ले सकता है। अच्छा अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास से ही मिले, हमने सब स्टैंडर्ड साइज रखे हुए हैं। अच्छा, स्टैंडर्ड साइज का है स्पेलर? हाँ, नहीं तो कई कंपनियां क्या करती हैं ना, अपने मुनाफे के चक्कर में ऐसे साइज बना देती है जो कस्टमर को नहीं मिल पाता, मजबूरी में वहीं आके लेना पड़ता है और उन्हें पौने दाम में फिर खर्च करने पड़ते हैं ना सर? बिल्कुल। अब सर हमें आपका ये 6 बोल्ट वाला स्पेलर जो देख रहे हैं, इसकी कीमत सर क्या होने वाली है हमारे कामगार भाइयों के लिए? ये लगभग 1.5 लाख के आसपास की मशीन है। जी सर जी, इसके साथ क्या एसेसरीज रहेगी सर? इसके साथ कंप्लीट मिलता है, कंप्लीट सारी एसेसरीज साथ में मिलती हैं, केवल फाउंडेशन का काम होता है जो कस्टमर को खुद कराना पड़ता है। अच्छा सर, देश भर के किस कोने में ट्रांसपोर्ट से भेज सकते हैं आप इसे? सब जगह जाता है, ऑल इंडिया में जाता है हमारा, यहाँ से लेकर नॉर्थ इंडिया से लेकर साउथ इंडिया तक सारा जगह माल जाता है, केरला हुआ, बंगाल हुआ, सब जगह हमारे डीलर नेटवर्क है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, तो सर ये यदि छोटा बनवाना हो किसी को, 4 बोल्ट वाला स्पेलर बनवाना हो, ये 9 बोल्ट का है, हैवी वाला है और बड़ा है मॉडल ये। अच्छा 9 बोल्ट वाला सर कितना एक घंटे में पिलाई कर देगा सरसों की, बताइए? ये 1 क्विंटल से लेकर 150 किलो तक पिलाई करता है। एक क्विंटल से लेकर 150 किलो तक कर देगा 9 बोल्ट वाला। और ये 6 बोल्ट वाला सर आपका स्पेलर? 6 बोल्ट वाला 60 किलो से लेकर 80 किलो तक के मॉडल है इसमें। अच्छा 60 से 80। और ये 4 बोल्ट वाला सर होता है वो? हाँ, वो 30-40 किलो 50 किलो तक के निकालते हैं। बोल्ट और छोटे वाला हम ऑर्डर के हिसाब से बनाते हैं, वो लगभग 95,000 रुपये के आसपास की कीमत का होता है। अच्छा सर, गारंटी वारंटी सर्विस किस तरह से देते हैं? 1 साल की वारंटी होती है हमारे प्रोडक्ट की। अच्छा, और ऑन साइट अगर कोई कंप्लेंट आती है
तो मैकेनिक जाके उसको वहीं पे ठीक करके आता है अगर कोई कंप्लेंट आती है। ब्रजेश जी ये बताइए कि बहुत सारे लोग बना रहे हैं, स्पिलर खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि आपके यहाँ ये बड़े बुजुर्ग कारीगर काम कर रहे हैं और ये बड़ा तरीके से बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से काम कर रहे हैं और अगले हर स्पिलर में काम हो रहा है आपके यहाँ सर, बेहतर ढंग से काम हो रहा है, कुछ स्पिलर तैयार हो गए हैं, तो ये स्पिलर खरीदते समय हमारे जो कामगार भाई हैं बढ़िया तेल यदि लेना चाहते हैं तो क्या उनको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए सर? उन्हें ध्यान सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि एक तो साइज़ ऐसा हो जो यूनिवर्सल साइज़ हो, जिसका स्पेयर पार्ट सब जगह अवेलेबल हो और चीज़ हैवी हो, ऑयल बाथ बैरिंग टाइप वाली मशीन होनी चाहिए। अच्छा अच्छा, आजकल बैरिंग यूज़ होते हैं तो बैरिंग में नॉइज़ नहीं होती, आवाज़ नहीं होती, स्मूथ चलता है, लोड कम लेता है, तो ये चीज़ें का ध्यान रखना चाहिए। सिर्फ हैवी का ध्यान नहीं करना चाहिए कि माल हैवी, लोग हैवी हैवी पे जाते हैं। अच्छा हैवी नहीं बैरिंग वाले, तो क्या आपके जो स्पिलर बैरिंग वाले हैं सर? हाँ ये सब बैरिंग टाइप हैं, ऑयल बाथ में हैं। अच्छा अच्छा, हाँ तो इसलिए ये चीज़ों का ये लोड भी कम देंगे सर, मशीन पे मोटर पे लोड भी कम पड़ेगा। तो सर ये कितने मोटर कौन से वाट की? 5 हॉर्स पावर से लेकर 15 से 20 हॉर्स पावर तक की मोटरों से चलते हैं ये। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ तो सर ये बात ये है कि अब ये पुराने ढंग से जो स्पेलर हुआ करते थे वो जमाने चले गए, बाबा आदम जा वाले वो वाले चले गए। अब आज की डेट में आप देखो मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट आ गए हैं जो चाइना के प्रोडक्ट के नाम से बिक रहा है। जी जी जी, जिसको कोल्ड प्रेस बोल रहे हैं जी, और एक बारी की क्रशिंग में वो कह रहे हैं उसका निचोड़ होता है, ये सब फॉल्स है। एक बारी में नहीं होता निचोड़, उसमें भी 2 बारी 3 बारी करना पड़ता है, वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं है प्रोडक्ट। अच्छा अच्छा, तो सर एक बात बताएं कि आप ये जो हैं वो भी रखते हैं जो इनको फिल्टर भी रखते हैं सर? हाँ फिल्टर मशीन भी होती है। अच्छा फिल्टर ऑयल फिल्ट्रेशन के लिए करना पड़ता है। अच्छा वो भी रखते हैं, क्या आपके पास उपलब्ध हो जाती है वो? तो कोई ऑर्डर पर बनवाना चाहे, कोई विशेष तकनीक से बनवाना चाहे तो सर आपके 2 दिन में तैयार कर सकते हैं? बन जाएगा एज पर डिमांड, वो हम लोग 12 प्लेट से लेकर 24 प्लेट तक का फिल्टर भी बनाते हैं। 12 प्लेट से लेकर 24 प्लेट तक का फिल्टर बनाते हैं मिल जाता है, और ये 4 बोल्ट से लेकर के 9 बोल्ट तक का, हाँ ये आप स्पिलर बनाते हैं? हाँ इससे आप सरसों का तेल, नारियल का तेल, मूंगफली का तेल, अलसी का तेल, ये सब तेल इन्हीं मशीनों के द्वारा क्रशिंग कर सकते हैं। तो किसान कामगार भाइयों आपने देखा सुना और समझा, ब्रजेश जी ने जो बताया है एक पीढ़ी ये है और एक पीढ़ी हंसराज रहेजा वाली ये है। दोस्तों इन्होंने इस सरस्वती फर्म की स्थापना की, फाउंडर हैं इस सरस्वती स्पेलर के, जो देश में जगह जगह स्पेलर ये काम कर रहे हैं और विश्वास है और एक भरोसा है पुरानी पीढ़ी से नई पीढ़ी के बीच का। 50 साल पुराना ये ब्रांड है स्पेलर, बहुत परंपरागत वाले लोग खरीद रहे हैं, जानकारी नहीं है, नई तकनीक के आ गए, यानी वही स्पेलर अब यानी बैरिंग वाले हो गए, कम लोड पर बढ़िया काम, बढ़िया निकासी और दोस्तों किफ़ायती दाम, ये ब्रजेश जी का दावा है। ब्रजेश जी पूरी सर्विस देंगे हमारे ग्राहकों को, सही रेट वाजिब रहेगा? रेट वाजिब रहेगा क्वालिटी के हिसाब से, क्वालिटी के हिसाब से रेट बिल्कुल वाजिब रहेगा। स्क्रीन पर नंबर आ रहे हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पूरा आता पता कंपनी का है, कंपनी के प्रतिनिधियों से बातचीत हो चुकी है। दोस्तों जरूर ट्राई करें, आजमाएं विश्वास और भरोसे के साथ सरस्वती गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के स्पेलर में। सतीश शर्मा जाफरावादी कारखाने से नमस्कार।